अजमेर यातायात विभाग ने आज SP देवेंद्र बिश्नोई के निर्देश पर आजाद पार्क के सामने खड़ी प्राइवेट बसों के चालान बनाने के साथ ही उन पर कार्रवाई की है। साथ ही चेतावनी दी गई है, यदि अगर बसें खड़ी होगी तो उन्हें जब्त किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने 11 निजी बसों के चालान काटे। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीकाराम काला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार क्षेत्र में निजी बसों के खड़े होने से ही परेशानी की शिकायत मिल रही थी। क्षेत्र में इमरजेंसी वाहनों के आने जाने में परेशानी आ रही थी, इसीलिए कहा अजमेर SP के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान 11 प्राइवेट बसों के चालान भी काटे गए और उन्हें चेतावनी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अजमेर ई रिक्शा, टेम्पो चालक, बस चालक और अन्य लोक परिवहन चालकों द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही, वर्दी नहीं पहननी जा रही। ऐसे में 3 दिन का समय सभी को दिया गया है, अगर इसके बाद भी बिना वर्दी के ये सब मिलते हैं तो इन पर चालान काटे जाएंगे। इसी प्रकार ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है और इसी प्रकार शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किस प्रकार की कार्रवाई की थी सर? आज हमें वैसे शिकायत मिल रही थी और SP साहब ने आदेश फरमाए कि जहाँ भी नो पार्किंग में बसें हैं, ट्रक है, खड़े होते हैं और शहर के अंदर आते हैं, उनकी नो एंट्री की और आदेश सिंह अवेलना की कार्रवाई करें। श्रीमान SP साहब के आदेश अनुसार लक्ष्मी पार्क और आज़ाद पार्क के सामने जो बसें मिली उनकी सभी की नो एंट्री और आदेश सिंह अवेलना की कार्रवाई की। सर आज इनको 11 बसों की कार्रवाई समझाइश किए सर, इनके चालान भी बनाए, चालान बनाए, समझाइश तो पहले कर चुके हैं हम, 3-4 बार पहले भी समझाइश कर चुके हैं, पहले भी 3-4 बार चालान किए हैं लेकिन ये मान नहीं रहे, तो आज चालान किए और उनको वैसे समझाइश ये की कि आइंदा से वैसे लक्ष्मी पार्क और आज़ाद पार्क, विजय लक्ष्मी पार्क और आज़ाद पार्क के सामने कोई बस मिलेगी तो उनको जब्त किया जाएगा। और SP साहब ने आदेश फरमाया है कि शहर के अंदर न तो ई रिक्शा के चालक का वर्दी है, न ऑटो के चालक की वर्दी है और न टेम्पो के चालक, सिटी बस के चालकों की किसी की कोई वर्दी में नहीं है, तो हम अभियान चला करके शहर में सभी से पहले SP साहब ने कहा कि समझाइश कर दो एक बार, तो सभी से आप संदेश पहुंचा दें हमारे टाइगर साहब का कि 3 दिन के अंदर अंदर वो वर्दी भी पहनेंगे, नेम प्लेट होगी, नेम प्लेट के नीचे उनका मोबाइल नंबर होगा, तो उससे अपराधों पे अंकुश भी लगेगा और बाहर से आने वाला जो टेम्पो में ई रिक्शा में बैठेगा तो उनको वैसे महसूस हो जाएगा कि ये वास्तव में वर्दी में, ये वास्तव में ई रिक्शा का चालक है, टेम्पो का चालक है, सिटी बस का चालक है। तो हम 3 दिन के बाद में 1-2 दिन समझाइश करेंगे श्रीमान टाइगर साहब के आदेश अनुसार, उसके बाद में पूरे शहर में अभियान चला करके हम कार्रवाई करेंगे और बिना वर्दी की कार्रवाई में कोर्ट का चालान है जो उनको वैसे भुगतना पड़ेगा।